मैं स्पेशली नए लोगों के लिए मैंने कुछ स्लाइडें बनाई हैं। पुराने लोग मुझसे काफी बार ये बातें सुन चुके हैं, मैं उन्हें बताता रहता हूँ। और जो भी लोग स्पेशली 2020 के समय में ज्वाइन हुए हैं उन सभी के शेप शॉप में या इस फ्रेशर्स की मीटिंग में स्वागत है। और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला, मैं कोशिश करूंगा 15-20 मिनट्स में अपनी बात को खत्म करूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर का, पेरेंट्स का, सिस्टम का, मेंटर्स का, कि मुझे इतना शानदार बिजनेस दिया ऊपर वाले ने, और परवरिश ऐसी रही, सिस्टम मेंटर्स ने मुझे प्रॉपर समझाया, और फाइनली बहुत प्यारी सी टीम पूरे इंडिया में आज मेरे साथ कदम से कदम मिला करके काम कर रही है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में जरूर देना चाहूंगा। मैं एक मिडिल फैमिली परिवार से हूँ बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे, पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं एक मिडिल परिवार से हूँ। और फादर आर्मी में थे और पापा ने फौज के साथ में जब हम लोगों को शिफ्ट किया, मथुरा में हम लोगों को शिफ्ट किया, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैं भी पहले फौज में जाना चाहता था क्योंकि पापा को हमेशा फौज में देखा था, उसी लाइफ स्टाइल को मैं भी मेंटेन करना चाह रहा था। फिर मथुरा में ही पढ़ाई लिखाई हुई, हाई स्कूल इंटरमीडिएट आर्मी स्कूल से हुआ, ग्रेजुएशन किया डिग्री कॉलेज मथुरा से किया। और पढ़ाई करते करते जब मैं एम कॉम बी कॉम करने के बाद अपना कम्प्लीट 2006 में जब मैं एम कॉम कर रहा था, तो एम कॉम करते समय मुझे एक जॉब का ऑफर मिला बजाज लाइफ इंश्योरेंस, मैंने 2006 में जॉब ज्वाइन कर लिया। 2010 में करते करते 6 के बाद 7, 8, 9, 10 जैसे जैसे आया, वैसे वैसे प्राइवेट नौकरी की कहानियां भी समझ में आने लगी कि बहुत ज्यादा कुछ यहाँ से होने वाला है नहीं। और उसी समय ऑफिस में मुझे देवदूत के रूप में गुरुजी नितिन सारस्वत जी और राहुल सर का जो है मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला ऊपर वाले की असीम कृपा की वजह से, ऐसे दो देवदूत मुझे मिले। और गुरुजी जो आज मेरे साथ में, अभी आप लोगों ने गुरुजी को सुना, सर के द्वारा ये प्लान देखने का मौका मिला और इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट कर दिया। और कैसे किया वो बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। और जो भी है 2016 में, 2011 में प्रॉपर फुल टाइम काम करके 2016 में मैं इस बिजनेस में डायमंड बना, 10,000 की टीम कंप्लीट कर लिया और अभी ट्रिपल डायमंड का पद मैं इस बिजनेस में अचीव कर चुका हूँ। और अभी वीनस के लिए आगे मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, अभी वीनस आपका जो है क्वालिफाई मुझे करना है। मेरा कहने का पर्पस ये है, ये बिजनेस में सक्सेस का सिर्फ एक रीजन है जो गुरुजी ने जिस चीज से शुरुआत की थी, और उसी चीज को मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, सिर्फ एक रीजन है इस बिजनेस के अंदर सक्सेस का, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस ओनली, आपकी लाइफ में यदि आप बहुत बड़ी सक्सेस लेंगे तो उसका केवल एक रीजन होगा कि आपके लाइफ के गोल्स क्लियर है या नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के लाइफ के गोल्स अगर क्लियर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति का कहीं भी कुछ भी बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। ये गोल्स गोल्स की भाषा मुझे जॉब के टाइम पे कभी समझ में नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था ये गोल्स गोल्स क्या होता है, तय करना होता है कुछ, लाइफ में कुछ बनाना होता है। लेकिन मैं आज जब अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ वाकई में गोल्स की वजह से बहुत कुछ होता है। क्योंकि 2006 में जब मैंने नौकरी को ज्वाइन किया था तो 5,619 रुपए मुझे मिला करते थे और कोई गोल नहीं था वहां पर। सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था, रात के 10, 11, 12 बज जाते थे, सैलरी मुझे पे हो जाती थी 5,619 रुपए की सैलरी पे। लगभग 1 से 1.5 साल काम किया, बाद में ऑन रोल हो गया, 7,000-7,500 हो गई वही सैलरी, 8-10 हजार हो गई। और जब 2010 के लास्ट में इस बिजनेस को देखने का मौका मिला था तो लगभग 12,000 रुपए मुझे मिला करते थे। सब कुछ ठीक ठाक ही था, मैं ये नहीं कहूंगा कुछ भी बुरा था या कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बुरा आदमी को तब लगता है जब उसे पता हो कि मैं ये पा सकता था लेकिन मैं पानी ले नहीं पाया हूं। तो बढ़िया नौकरी भी चल रही थी, मेरे हिसाब से बढ़िया चल रही थी, जो तनख्वाह मिलती थी उसमें बढ़िया खर्चा भी चल रहा था, और बस एक ही चीज थी कि सब ठीक था लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं था, लाइफ में कुछ बड़ा करने का भी दिमाग में नहीं था, जेबें खाली थी, मंथ के एंड में हमेशा एम्प्टी पॉकेट रहती थी, अकाउंट खाली होता था, कोई छुट्टी नहीं होती थी, कोई लाइफ स्टाइल नहीं थी, कहीं कोई सपने वाली बात तो थी ही नहीं, और ना ही कोई उम्मीद थी कि कहीं से कुछ हो सकता हो। दोस्त सैटरडे संडे आते थे, उनके साथ कहीं पिक्चर चले गए, मॉल चले गए, पैसा है जेब में तो कुछ खरीद लिया वरना मन मार के वापस घर आ गए, बस एडजस्ट वाला जो लाइफ स्टाइल था वो चल रहा था। मैं इस किस्म का व्यक्ति रहा हूँ, मैं हर तरीके के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की एक, या ऐसा कहो हर कॉमन आदमी के अंदर ये होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है, ऐसे करके लाइफ चल रहा था। जब ये बिजनेस प्लान शो किया गुरुजी लोगों ने तो मैंने कहा अरे यार पता नहीं क्या काम है, चलो ठीक है सर लोग बता रहे हैं, मतलब ऑफिस के कलीग हैं ऐसे बोलेंगे कि यार इतनी सी बात है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन अंतर देखो आप, फर्क देखो, 2010 के लास्ट में मैंने इसे ज्वाइन किया था, 2011 में मेरे को ये चीजें समझ में आने लगी कि आपको गोल बनाना है, मैंने गोल बनाने स्टार्ट किए, जैसे सर लोगों ने मुझे बताया वैसे मैंने गोल बनाना स्टार्ट किया। और इस बिजनेस के अंदर, केवल इस बिजनेस के अंदर, ये ऐसी चीज है तो डेली बेसिस पर गोल बनवाते हैं, आज क्या करने वाले हो, आज कितनी सेल क्लोज करोगे, इस सप्ताह में कितना चेक बनाओगे, इस मंथली कितनी सेल जाएंगी। मुझे याद है शुरू में जब मुझसे ये बात बोली जाती थी गुरुजी के द्वारा, राहुल सर के द्वारा,
अच्छा इस सप्ताह में कितनी सेल जाएंगी, तो मैं मन मन में ऐसे बोलता था, मुझे क्या पता कितनी जाएंगी यार। तो लेकिन जैसे जैसे उन लोगों ने प्लानिंग बनवाना शुरू किया कि ऐसे करते हैं, इतनी से इतनी जाती है, ये होता है वो होता है, वो धीरे धीरे मुझे आने लगा। 2000 का चेक मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। जब 2000 का मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया तो मैंने लोगों को बनवाना शुरू कर दिया, और वो 2000 का चेक ही मेरे को 20,000 का चेक भी लीड होने लगा धीरे धीरे। उस 20,000 से 50,000 आने लगे, 1,00,000 आने लगे। यानी कि गोल्स जब मैंने किए, जब मैंने गोल्स सेट किए, तो वर्किंग टाइम लगभग सेम था, या ये कहूँ कि मैंने शुरुआत में नौकरी से भी ज्यादा काम इसमें शुरुआत में किया था, क्योंकि मुझे टीम बिल्ड करना था, ये काम नया था, मुझे सीखना था, तो इससे ज्यादा मैंने काम किया। और वर्किंग टाइम सेम और मोर, बट इट डिपेंड्स ऑन मी, वो मेरे ऊपर था, मेरे पास टाइम फ्रीडम था, मुझे करना है तो मेरे लिए, नहीं करना है तो मेरे लिए, तेज करूंगा तो मेरे लिए, धीरे करूंगा तो मेरे लिए। मेरे मेन कहने का पर्पस था कि मैंने जॉब से ज्यादा काम इसमें किया, कम कभी नहीं किया। स्टार्टिंग मैं कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था, पहले 1-2 साल सब कुछ खराब लगा, सब कुछ बुरा लगता था, लोग टोंट मारते थे, फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता था, दोस्त मजाक उड़ाते थे, तो ये सारी चीजें लगने लगी। लेकिन जैसे 2-3 साल गुजरे तो लाइफ एकदम ऑसम होना स्टार्ट हो गया, इनकम बड़ी आनी शुरू हो गई। हम जो जिस आदमी ने कभी टेम्पो से ऑफिस जाता था, कभी उसने बाइक भी नहीं खरीदी, ऐसा नहीं है मैं खरीद नहीं सकता था बस, लेकिन खरीदी नहीं, मतलब वो वाली चीज है कि कभी मूड में आया नहीं, क्या जरूरत है जब 10 रुपए में ऑटो से काम चल रहा है तो काहे को 60,000 खर्च करो, ऐसा कुछ दिमाग में था। और जब लेटर ऑन ये चीज समझ में आई कि जब इस बिजनेस में 2-3 साल एक टफ टाइम निकालने के बाद जो लाइफ ऑसम हुई, जब कार में आज 2015 से लगातार 6 फिगर इनकम में ले रहा हूँ, और 12.5 लाख की इकोस्पोर्ट का टॉप मॉडल मैंने 2015 में परचेज कर लिया, मैं वो आदमी हूँ, अपने जीवन में कभी ऑल्टो नहीं खरीदता, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये ऐसे लगता था, बोले क्या यार फालतू की चीजें हैं ये, है ना। फॉरेन ट्रिप्स वगैरह में गया, ऑल इंडिया ट्रिप्स पे गया, 5-स्टार प्रॉपर्टीज में स्टे करने का मौका मिला। मैं आज मैं सच बता रहा हूँ, हमारे ZM या बड़े सीनियर लोग आते थे तो हम उन्हें देखते थे कार में, और उसमें तो ऐसा लगता था यार ये लोग कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन आज ये समझ में आता है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, बस अपने आपका गोल होना चाहिए, और सेल्स जो होता है उसके अंदर एक गोल होता है और हम लोग उसमें लगातार काम करते हैं। तो मैंने 5 साल मैंने आपको 2006 से 10 तक के बताए, और 5 साल मैंने 2011 से 16 तक के बताए। लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो शायद और कहीं से हो ही नहीं सकता था। ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, MLM और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ से लोग करोड़ों रुपए महीने का भी कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए साल की बात तो बहुत अलग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, प्रॉब्लम क्या है मार्केट के अंदर क्या रहता है, ये एक स्टोरी मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा आपके बीच में शेयर करनी चाहिए। और ये ऐसे है कि एक बार 4 अंधे लोगों को हाथी को जाकर के देखने के लिए बोला गया, और उनको पूछा गया कि आखिर हाथी कैसा होता है बताएं। तो एक व्यक्ति ने जाकर के उसकी सूंड को पकड़ा और उसने एक आइडिया लगा लिया आंख बंद करके कि हाथी जो है ऐसा पाइप, मोटा पाइप जैसा होता है। एक व्यक्ति ने जाकर उसको पैर को पकड़ा और उसने एक आइडिया लगा दिया कि हाथी जो है एक पिलर के टाइप का होता है। एक व्यक्ति ने उसके पेट पे हाथ जाके रखा तो उसे ऐसे आइडिया लगा कि ये हाथी जो है एक दीवार के जैसा होता है। और एक व्यक्ति ने उसके कान को पकड़ा तो उसे आइडिया लगा कि ये हाथी क्या सूप के टाइप का होता है। अब आप देखें तो वो चारों के चारों लोग, अगर हम देखें क्या गलत हैं या वो सही हैं, तो कहने का पर्पस क्या है कि उन्होंने एक्चुअली हाथी को देखा ही नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है लेकिन एक्चुअल में वो गलत हैं। सेम नेटवर्किंग इंडस्ट्री का भी हाल यही है कि लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में क्लैरिफिकेशन होता नहीं है, और लोगों से सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी समझते हैं, कुछ फेलियर्स का एग्जाम्पल देकर के पूरी नेटवर्किंग इंडस्ट्री को शायद बोलते हैं नहीं ऐसा होता नहीं है, यह चीजें होती नहीं है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, मैंने सब कुछ समझा था, मैंने खुद देखा था, तो मैं कभी ऐसा, मेरे को कभी, मतलब सच बताऊं मुझे नेगेटिव होने का चांस ही नहीं मिला। और फिर मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि मैं नेगेटिव होके कर क्या लेता, नेगेटिव होके उसी नौकरी में जाता और उस नौकरी में जाके मैं क्या कर लेता भाई, बात सही है या नहीं है। तो मुझे कभी भी नेगेटिव वाली चीज लगी नहीं, और ये ऐसी कहानियों ने मुझे प्रेरित किया, और ऐसी कहानियों की वजह से मैं लगातार काम करता रहा, और वो सारी चीजें हो गई जो मुझे शुरुआत में गुरुजी लोगों ने बताया कि आपके साथ ये होगा। और जब आप काम करते हैं तो समस्याएं तो आती हैं, ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ समस्याएं नहीं आए। शुरुआत में ही आपके साथ एक्सपेंसेस की समस्या आ सकती है, खर्चे ज्यादा रहते हैं, और जब टीम कहीं दूसरे शहर में बिल्ड होती है तो वहां जाना आना पड़ता है, और पेट्रोल का भी खर्चा होता है, लोग एक बार में कभी कभी सेल नहीं आती तो 4-10 बार लोगों से मिलना भी होता है, तो ये एक्सपेंसेस का खर्चा मुझे जसवीर सर ने एक बार कैलकुलेट किया था कि साल में अगर आपका टोटल भी खर्चा करोगे 60-70 हज़ार होगा, 5 साल में 60-70 हज़ार को कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 4-4.5 लाख रुपए पहुंचेगा। लेकिन अगर 5 साल में आपकी 10 हज़ार की टीम बनती है तो कितना बड़ा आपको प्रॉफिट है, ये मुझे समझ में आया। और उस दिन के बाद मैंने एक्सपेंसेस की ओर ध्यान नहीं दिया और मैं बस काम करता रहा। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकता है, आज लोगों को नॉलेज नहीं होती कि एक्चुअली ये कितना पावरफुल चीज है, उसके जब नॉलेज नहीं होती तब भी लोग जो है पीछे हट जाते हैं।
तो हमें नॉलेज लगातार अपनी बढ़ानी है, और नॉलेज के ऊपर मैं एग्जांपल आपको लास्ट में दूंगा, समझदारी अपनी दिखानी पड़ेगी आपको खुद की। सच बता रहा हूँ, मैंने इस बिजनेस में एक समझदारी दिखाई, और समझदारी वो ये दिखाई कि भाई अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ता हूँ तो मेरा फायदा है या मेरा नुकसान है। अगर फायदा है तो ठीक है, मैं आज ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर क्या सोचो, मैं अगर छोड़ देता इसको तो क्या करता, कोई प्राइवेट नौकरी। अब प्राइवेट नौकरी से मैंने कौन से झंडे गाड़ने थे, मैंने कौन से कार लेके दे देनी थी, मैं तो जिंदगी भर किसी टूटी फूटी मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर घूमता रहता। तो मुझे एक चीज पता थी कि जब इसको छोड़ने से कोई फायदा है ही नहीं, तो फिर और लोगों की बात मान के छोड़ने की बात सोचना नहीं। मुझे बहुतों ने समझाया, है ना, बहुत मुझे रिलेटिव्स ने समझाया, बहुत मेरे ब्रांच मैनेजर्स ने समझाया, लेकिन मैंने कभी भी उनका सुना नहीं, क्योंकि मैं समझ गया था कि मुझे छोड़ने से कुछ मिलने वाला है नहीं। बस इतनी समझदारी, ज्यादा समझदारी की जरूरत नहीं होती इसमें, इतनी सी समझदारी कि भाई तू अपना समझ यार, कि तेरे को ये देखना चाहिए कि तेरे को इसमें अगर तू छोड़ेगा तो क्या मिलना है, तेरे लाइफ वैसे क्या जाएगा। जैसा गुरुजी ने आज बताया कि आप अगर पूरे लाइफ में अर्न करोगे तो क्या अर्न करोगे। एक्चुअली ये बात मेरे से भी इन्होंने की, है ना, जब मेरे से ये बातें की तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि जिंदगी में और कहीं से तो कुछ होना ही नहीं है, इस बिजनेस से कुछ होने की गुंजाइश है, कुछ चांस है। तो फिर मैंने कभी वापस पलट के देखा नहीं। इस पंज के सिद्धांत पर मैंने काम किया कि अगर कभी नीचे से प्रेशर आ रहा है, कोई टीम का कुछ बोल रहा है, किसी प्रोडक्ट को लेके कोई क्वेरी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सहन करो, थोड़ा समझो लोगों को, उनको समझ के उनको समझाने की कोशिश करो। और स्पंज का सिद्धांत ऊपर से भी काम करता है, ऊपर से सीनियर जब प्रेशर देता है तो कभी कभी लोग इस चक्कर में वो कर देते हैं, अरे मेरे को ऐसा क्यों बोला जा रहा है, भाई तेरे भले के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने स्पंज के सिद्धांत पर काम किया। एक सबसे इंपॉर्टेंट समझदारी हमें दिखानी पड़ती है, दूसरी कंपनियां जब आती हैं। मैंने 2010 के लास्ट में स्टार्ट किया था और इतनी सारी कंपनियां थी जो बैठे बैठाए पैसा देने की बातें करती थी, जो बहुत आसानी से पैसा देने की बातें करती थी और देती भी थी, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं करती थी, लेकिन वो सारी चिट फंड की कंपनियां थी। ऐसा एक बार मैं एक इसके ऊपर ये जरूर बताना चाहूंगा, एक बार एक व्यक्ति की आत्मा जब यमराज लेके जा रहे थे तो उसको ऐसे बोला गया, बोले भाई स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा वो बता, तेरा इतना ये जो है स्वर्ग का जा सकता है। तो बोला अच्छा ऐसा चॉइस भी है क्या, बोले हाँ चॉइस है। तो उसने बोला ठीक है, मेरे को यार स्वर्ग ही जाता है, आदमी नर्क में कौन जाना चाहता है। बोले हाँ कोई बात नहीं। उसने स्वर्ग में जाके देखा, बढ़िया अप्सराएं चारों तरफ सुगंधित, उसमें बहुत अच्छी चीज है। तो उसने कहा यार ये स्वर्ग तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, मैं तो यही रहूंगा। बोले देख लो, कोशिश चाहो तो नर्क भी जा सकते हो। बोले नहीं, नर्क में जाके क्या करना है। बोले फिर भी देखने में क्या जा रहा है, जाना नहीं, देख रहना नहीं, आप रहना स्वर्ग में, देख तो लो एक बार। तो उसने कहा अच्छा ठीक है दिखा दो। और उसने बोला ठीक है नर्क दिखा दो। और नर्क दिखाया, और जैसे ही उसने नर्क देखा तो नर्क में तो भाई अप्सराएं स्वर्ग से लाखों ना ज्यादा अच्छी, जो खुशबू थी भीनी भीनी वो स्वर्ग से पता बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब हर चीज वहां नर्क में स्वर्ग से ज्यादा अच्छी थी। तो उसने ऐसे बोला कि यार ये पृथ्वी लोग पे ना लोगों को अकल ही नहीं है, साला नीचे स्वर्ग मांगते रहते हैं बैठे बैठे, आज मुझे यहाँ आके पता चला कि साला नर्क में तो बहुत मजे हैं। और ये किसने बोल दिया स्वर्ग जाना चाहिए। बोले ठीक है साहब फाइनल है, अपन तो नर्क में ही रहेंगे। तो यमराज ने बोला पक्का डन। बोले हाँ साहब पक्का डन, फाइनल लॉक कर दो। और जैसे ही लॉक किया यमराज गायब हुआ, और जैसे ही वो गायब हुआ तो वहां के दृश्य बदलने लगे, और दृश्य ये बदलने लगे, आग जल रही है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो एकदम से वो चिल्लाया, बोले अरे भाई मेरे ये क्या है, ये तो सारा कुछ पलट गया तूने जो दिखाया था। तो बोले मेरे भाई ये जो तूने देखा था वो एडवर्टाइजमेंट था, एक्चुअल पिक्चर तो यही है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। तो सेम ऐसी कंपनीज का भी रहता है, अदर कंपनीज का, वो आपको बैठे बैठाए 6 महीने में अरबपति बनाने की बातें करेंगे। और सच बताऊं तो उनके प्लानों को देख के लगता भी हाँ यार हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो ऐसे ही 2 साल से इसमें ऐसी तैसी करा रहा था। तो क्या है, उन कंपनियों के आने के समय पर एक समझदारी मैंने दिखाई। मैंने कभी भी एक साथ रातों रात पैसे वाला बनने की मैंने कभी नहीं सोची। ठीक है यार मेहनत लगेगी, 4 साल का मुझे इस बिजनेस के सीनियर बता रहे हैं ये ऑलरेडी शॉर्टकट है, चला इसमें भी और शॉर्टकट अगर मैं ढूंढने जाऊंगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पंगा है। तो मैं कभी दूसरी कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ा। सैकड़ों बार लोग आए, दसियों कंपनियों का लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, प्लान किया, लेकिन कभी भी नहीं। वो धीरे धीरे लोग समझ गए, बोले ये चेंज होने वाला नहीं है। फ्यू पीपल ट्राई टू स्टॉप यू, जैसे मैंने बोला मेरे बीएम साहब ने मुझे रोकने की कोशिश की, ब्रांच मैनेजर साहब ने, फैमिली मेंबर्स ने, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, सभी ने बोला ये काम मत कर भाई, तू कुछ भी कर ले। मतलब समझ में, मुझे आज तक समझ में नहीं आता, 10,000 की नौकरी कराने में खुश है, लेकिन लाखों की बात करने पर या तो उन्हें समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे समझ में आया और मैं कभी रुका नहीं। दूसरा ये जो मैं बोल रहा था एग्जाम्पल एक मैं दूंगा, अभी ये सामने आपको स्क्रीन पर केले दिखाई दे रहे हैं, केले का गुच्छा दिखाई दे रहा है ना, और ये आपको नोटों की गड्डी एक दिखाई दे रही है। अगर ये केले का गुच्छा और ये 2,000 के वो 200 के 10-5 नोटों की गड्डी आप किसी के बंदर के सामने रखते हो तो आप बताओ ये बंदर क्या लेके भागेगा। सारे आप समझ गए होंगे, मुस्कुरा भी गए होंगे, ये बंदर केले ही लेके भागेगा मेरे भाई। जबकि इस नोटों की गड्डी में वो बंदर चाहे तो इतना बड़ा बाघ खरीद सकता है कि उसकी पीढ़ियां केले खा सकती हैं।
लेकिन उस बंदर को साला यही नहीं पता कि ये कितनी बड़ी चीज है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा ही हमारे इस बिजनेस के साथ होता है, जब आप किसी के पास लेकर के जाते हैं और मान लो वो आपको मना करता है तो आप समझ जाओ कि ये बंदर है और इसे केले के गुच्छे ही केवल नजर आएंगे, इसको बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी नहीं, और वो फिर पूरी जिंदगी टेंशन में रहता है, सोचता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे डिसीजन वाले बंदर होते हैं जो अच्छा डिसीजन लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी मुस्कुराते हैं। मैं तो ये मुस्कुराता हुआ बंदर बनना चाहता था, तो वो बन बन गया और लगातार काम कर रहा हूँ। तो बिजनेस की मुझे बस ये समझदारी वाली ये एग्जांपल मुझे याद आ जाता था, मैं जब भी जाता था कोई लेता नहीं था तो मुझे लगता था इसकी किस्मत में नहीं है और शायद इसको वो गुच्छे वाली चीज है वो उसी चीज में घुस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहने अब आपको करना क्या है, एक चीज समझो, मैं आपको यहाँ लास्ट में बताऊंगा। ऑलवेज डुप्लीकेट योर अपलाइन एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। आपका जो एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है उसको डुप्लीकेट करो। वो क्या करता है पूरे दिन ये देखो, वो कैसे बातें करता है ये देखो, वो कितना मेहनत करता है ये देखो। अगर आप उसको डुप्लीकेट कर लोगे डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं गुरुजी लोगों को देखता था, गुरुजी जब मैं जॉब क्विट करके आया फुल टाइम तो मैंने देखा गुरुजी, मैं भी जाता था, सर भी जाते थे, रात को 9 बजे ऑफिस से निकलने के बाद वृंदावन जा रहे हैं, 1-1 बजे तक लौट के आ रहे हैं। तो जब मेरा सीनियर अगर रात को 12-1 बजे तक काम कर सकता है तो मेरे पे कौन सी बिजली पड़ रही है ये बताओ भाई। मेरे से ज्यादा वो कमा रहा है, मेरे से ज्यादा उसका सब कुछ सही है, वो मेरे से ज्यादा काम कर रहा है तो मेरे को क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने हमेशा अपने अपलायनों को कॉपी किया, मैंने जसवीर गुरु जी को कॉपी किया, मैंने नितिन सर को कॉपी किया, मैंने राहुल सर को कॉपी किया और सारे अपलायनों को सुना और जो भी उन्होंने बोला उसको माना। बी रेडी फॉर हार्ड वर्क फॉर 3-4 ईयर्स, 3 से 4 साल हार्ड वर्क करने के लिए मैं रेडी था। सच बात ये है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, मैं एकदम तैयार था। मुझे पता था प्राइवेट नौकरी में भी मुझे आसानी से तनख्वाह नहीं देते थे, बॉस पूरा जब तक खून नहीं पी लेता था तब तक तनख्वाह नहीं आती थी साहब, तो जब वहां नहीं आती थी तो यहाँ क्यों आएगी। तो मैं यहाँ रेडी था एक्स्ट्रा पे करने के लिए, नो पेन नो गेन। जब तक आप कुछ पेन नहीं लोगे तब तक आपको गेन आपको मिलने वाला नहीं है। पहले 1-2 साल जो मैंने बोला क्यों एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि कई बहुत सारे लोग पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, ये काम एकदम नया होता है, सीखने का होता है, तो सीखते समय ज्यादा मेहनत करना ज्यादा जरूरी होता है। फौज में 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, हार्डली 3 घंटे भी सोने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो 9 महीने में उस व्यक्ति को इतनी हैबिट्स आ जाती है, इतना मजबूत हो जाता है, तो पूरे इंडिया में फिर उसको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो हर जगह किसी भी क्षेत्र में पहले शुरुआत का जो 1-2 साल होता है वो टफ होता है, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है वो टफ समय से गुजर गया, जो टफ समय को निकाल गया वो बढ़िया पूरा लाइफ एंजॉय कर सकता है। तो 3 से 4 साल के लिए देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो 4-5 साल ढंग से काम कर लो और मजे करो पूरी लाइफ, या पूरा 65 साल 60 साल 70 साल की उम्र तक काम करते रहो। चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। मैं तो नहीं करना चाहता था कि 60-70 साल तक मैं काम करता रहूं, कहीं घूमने भी नहीं जाऊं फिरने भी नहीं जाऊं। आज इंडिया घूमा, विदेश घूम लिया, 5-स्टार प्रॉपर्टीज में रहता हूँ, कार में लगातार कंटिन्यू चल रहा हूँ, 6-फिगर इनकम ले रहा हूँ, ये क्या नौकरी से पॉसिबल था क्या? नहीं पॉसिबल था। तो मेरे को इसके लिए करना क्या पड़ा, मुझे इसके लिए अपनी पुरानी आदतों को बदलना पड़ा। पुरानी आदतें क्या, दोस्तों के साथ ताश खेलने के लिए जाते होंगे, दोस्तों के साथ संडे में जाते होंगे, हैं कॉर्नर पे खड़े हो गए, किसी गली के कोने पे खड़े होकर 4 बुराइयां कर लो, किसी का कुछ हो गया कॉलोनी की सारी न्यूज ले लो, है ना, टीवी देख लो, गप्पे मार लो। क्रिकेट मैच का इतना भयंकर शौक था कि वहां एंटीने पे लटके रहते थे हम बचपन में, और कोई भी सीरीज नहीं छोड़ेंगे, कोई भी जो है स्पोर्ट्स चैनल तुरंत से लागू करा लेंगे जैसे कोई सीरीज आएगी। अभी सब देखना बंद कर दिया, उधर धोनी के छक्के देखने से मेरे को पैसा नहीं आने वाला, मैं खुद मैदान में जाके छक्के मारूंगा तो मेरे को पैसा आएगा, ये बात मुझे क्लियर हो गई। और वो हैबिट्स जो मेरी पुरानी हैबिट्स थी टफ था उन्हें छोड़ना, इतना आसान नहीं था। अगर मैं हर संडे दोस्तों के साथ रहता था, हर सैटरडे दोस्तों के साथ रहता था तो मैं 4 में से फिर 1 संडे पे आया, पहले 1 संडे को जाऊंगा भाई, फिर मैं धीरे धीरे क्या आया हाफ डे, मतलब संडे में भी आधे दिन पे आया, और फिर धीरे धीरे मैंने वो भी खत्म कर दिया। और जब उनको बहुत कुछ अर्जेंट है तो वो मेरे को बोलेंगे कि यार उधर शादी में जाना, ये जाना वो जाना, तब वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसमें भी उन्हें पता है कि ये टाइम देगा या नहीं देगा, कहने का पर्पस है। लेकिन आज फ्री हूँ, आज मैं जा सकता हूँ। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यही वो सारी चीजें हैं जो आपकी सक्सेसफुल लाइफ को आपको पहुंचाती है, आपकी ड्रीम लाइफ आपको दिलाती है। तो ये काम हमें केवल करने हैं, और अगर हमने ये काम कर लिए तो नो डाउटली कितना भी साधारण आदमी हो, कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है नहीं सर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा काबिलियत, कोई काबिलियत वाबिलियत नहीं भैया, 7th क्लास में फेल हो गया था, बड़ी मुश्किल से 2nd डिवीजन पास आउट स्टूडेंट रहा हूँ, कभी कोई टॉपर नहीं रहा, ऊपर वाले ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी भी नहीं दी है, बस एक क्वालिटी दी, अलग गधे की तरह मेहनत करना जानता था और समझदारी से दिमाग लगा दिया। वो गधे की तरह मेहनत मुझे नौकरी में भी करनी थी, वो यहाँ भी करनी थी, लेकिन यहाँ गाइडेंस मिला अपलाइनों का तो गधे से घोड़ा बना दिया, वहां होता तो पूरे जीवन गधा ही बना रहता। मेरा कहने का पर्पज ये है कि केवल एक सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए हमें ये मेहनत करनी होती है, और अगर हमने ये मेहनत कर ली तो उसके बाद जो लाइफ है वो पूरा ट्रेमेंडसली एकदम से चेंज हो जाता है, पूरा लाइफ आपको पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे आज तक पता नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस बिजनेस में लगभग 10 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं लगा मैंने काम किया है, सच बोल रहा हूँ। मैं इंजॉय करता हूँ अपने काम को, रात को एक कल अभी कल का ही मैं परसों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
परसों मैं सुबह 7 बजे 8 बजे से मैं निकला और रात को 12 बजे रूम पे आया, आगरा रूम पे अभी मैं काम कर रहा हूँ आकर के, और 12, 12:30, 1 बजे नहा धो के मैं फ्रेश हो गया और मेरे साथ में मेरे लीडर्स हैं उन दोनों के साथ हम बैठ के बात करने लग गए। मतलब पूरे दिन काम करने के बाद भी सुबह 3, 3:30, 3 बजे तक हम लोग डिस्कशन करते रहे। आफ्टर दैट मैं 3 से 4 वॉक करके और तब मैं सोया। तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं काम, जब मैं ये काम कर रहा होता हूँ तो मुझे मजा आ रहा होता है, जब मजा आ रहा है तो पैसे तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। करना क्या है इस चीज को समझना है, ओनली बेसिक्स के ऊपर जो मैंने बोला था, ओनली बेसिक्स लीड्स टू अ ग्रेट सक्सेसफुल लाइफ, है ना। आपकी सक्सेस के लिए ये बेसिक चीजें हैं जो आपको लीड करेंगी, जो गुरुजी ने शुरुआत जिस चीज से की थी, ड्रीम आपका होना चाहिए, गोल आपका होना चाहिए। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को गोल बनाना नहीं आता, लोगों को गोल डिसाइड करना नहीं आता। तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के लीडर्स या कंपनी के सीनियर्स इतने समझदार हैं कि, और एक होता है ना नौकरी में, लोग नौकरी में क्या है, एक नौकरी वाला व्यक्ति गोल नहीं बनाता लेकिन उसका बॉस उसको गोल देता है, बोले ये फाइल है पूरी करके देनी है भाई तेरे को, वो करता है। तो ये पता है उन्हें कि इसी मेंटेलिटी के लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्यादा आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऑटोमेटिक गोल बना करके हमें दे दिया, और ऑटोमेटिक गोल बना करके दे दिया हमें अपने हमारे क्वार्टरली टारगेट्स। तो ये क्वार्टरली टारगेट्स भी अगर कोई व्यक्ति पकड़ता है और हिट करता है वो डेफिनेटली इस बिजनेस में डायमंड चला जाएगा 1.5 साल 2 साल के अंदर लास्ट। तो टारगेट्स पे पूरा फोकस करो, देखो आपको इस टारगेट के लिए वीकली कितना सेल भेजना पड़ेगा, कितना बिजनेस वॉल्यूम भेजना पड़ेगा, ये चेक करो कि वीकली जो भेजना है उसे 7 से डिवाइड करो कि मुझे पर डे कितनी सेल निकालनी है, और उस पर डे सेल निकालने के लिए क्या मैं अकेला कर सकता हूँ या मुझे 10 लीडर और चाहिए होंगे जो मेरे साथ ग्राउंड में काम करें। ये कैलकुलेट करो, हो सकता है आज आपके पास में उतना माल मसाला ना हो, सकता है आपके पास उतने लीडर नहीं हो, तो आप टारगेट बना के चलो इस टारगेट को मैं कैसे भी करके पूरा करूंगा, लेकिन अगले टारगेट के लिए मैं 20 लीडर तैयार करूंगा। और उसकी आज से तैयारी जब करोगे तो आप अगले क्वार्टर में हो सकता है उन 20 लीडरों को लेके बैठे होंगे। तो आपको टारगेट बनाना, गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टारगेट और गोल की वजह से ही काम होता है। दूसरा गुरुजी ने बोला था लिस्ट के बारे में, गुरुजी ने बताई दिया, बिना चटनी किए लिस्ट बनाओ, इन्वाइट करो लोगों को, ये बिजनेस प्लान शो करो, और फिर उसके बाद उनको बार बार फॉलोअप करो, कंटिन्यूस फॉलोअप करो। रन टुवर्ड्स योर गोल टिल यू नॉट अचीव देम, जब तक दौड़ लगाते रहो जब तक के आपको मिल नहीं जाता। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इसकी कोई डेट डिसाइड नहीं होती। मैं डायमंड 4-5 साल में बन गया, मैं 10 साल में भी बनता ना, सच बताऊं तो मैं डायमंड के लिए ही दौड़ता रहता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यहां का डायमंड और वहां का एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ भी हो तो उससे भी जो डिफरेंस है वो आप पूरा नहीं कर सकते। यहां के डायमंड की लाइफ भी अपने आप में एक निराली लाइफ है। तो अपने गोल्स की ओर लगातार कंटिन्यूस दौड़ना है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बिना रुके, बिना जराबी भ्रमित हुए। ये बहुत अच्छा एक पिक है जो मैं भी गूगल सर्च कर रहा था, मुझे मिल गया, और ये मैंने माधव सर के द्वारा भी एक जगह देखा है, एवरी मास्टर वाज वंस अ बिगिनर। आज एक मास्टरपीस अगर कोई है किसी भी क्षेत्र में तो वो एक बार बिगिनर था, एक बार उसने शुरुआत की थी। धीरूभाई अंबानी आज अगर इंडिया के ऊपर राज कर रहा है तो एक समय था कि वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाला करते थे। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, आज एक सफल व्यक्ति है तो उसने शुरुआत की थी, और शुरुआत उसने जीरो से ही की थी। तो आज आप अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में बहुत ही बड़ा काम होने वाला है, बहुत पावरफुल तरीके से आपके साथ में लोग आएंगे और धुआंधार तरीके से लोगों का बड़ा नेटवर्क आपके साथ आएगा, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही मेन चीजें थी, बेसिक्स पर फोकस करो और टारगेट को हिट करो। गुरुजी ने इतनी शानदार चीजें बताई, अपना लाइफ को पूरा कैलकुलेट करके देखो, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।